मुझे भी पता नहीं था, लेकिन काफी सुंदर लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है वीकेंड और मैं निकल रही हूँ बैंगलोर में 2-3 जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले ऑटो बुक कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं डेस्टिनेशन पहुँच के। बाय। तो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ जयनगर का जैन टेंपल। एक्चुअली ये टेंपल के बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ भी एक जैन टेंपल है। तो मुझे बस इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला पता था जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था। अगर आप अभी तक वो चेक नहीं किए, देखें तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये वाला यहाँ जयनगर वाला भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये जैन टेंपल बैंगलोर के जयनगर फोर्थ ब्लॉक में बनाया हुआ है। आप यहाँ उबर, ओला, बस या फिर मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ से जयनगर मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप आराम से ये जैन टेंपल विजिट कर सकते हैं। यहाँ आकर आपको बहुत ही शांत, बहुत पीसफुल फील होगा। यहाँ पे कुछ लोग अपने रिचुअल्स कर रहे थे और कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे। यहाँ पे सारे भगवान जी का काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनाए हुए हैं। और टाइमिंग की बात करें तो ये टेंपल मॉर्निंग 6 बजे से 12 बजे तक और शाम में 5 बजे से 9 बजे तक खुली रहती है। तो आप इस बीच कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। और ये टेंपल पूरे व्हाइट मार्बल से बनाया गया, काफ़ी सुंदर और बहुत ही वेल मेंटेन्ड रखा गया है। इस टेंपल में धर्मशाला और भोजनशाला भी अवेलेबल है। और भोजनशाला में आपको प्योर जैन फूड मिलेंगे। भोजनशाला मेनली वीकडेज में खुली रहती है और संडे को ऑफ रहती है। यहाँ पे 2-व्हीलर और 4-व्हीलर की पार्किंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। मैंने दर्शन कर लिया, बहुत ही सुंदर थे अंदर। और मंदिर में, टेंपल में ज़्यादा तो वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं रहता है, तो मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया। जितना भी बना होगा आई विल अपलोड। और अब चलते हैं दूसरे टेंपल की ओर, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। बाय।